नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। वक्त क्राइम 20 का, आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें। जयपुर में JECRC यूनिवर्सिटी की बस और कार में जोरदार टक्कर, कार सवारों ने बस पर लोहे की रॉड और पत्थर से किया हमला। कार का शीशा फूटने की वजह से कार सवार हुए थे नाराज। पहले बस चालक से की बहस और फिर छात्रों से भरी बस पर किया पथराव। बस पर हमले का वीडियो सामने आने के बाद सियासत गरमाई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया ट्वीट, पिछले कुछ वर्षों में मासूमों तक को अराजकता झेलनी पड़ रही। गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखा, बस कुछ दिन और, राजस्थान के बुरे दिनों का अंत अब निकट है। कमल खिलेगा और कानून का सर राज फिर से लौटेगा। जयपुर के विद्याधर नगर से बीजेपी की उम्मीदवार दिया कुमारी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा, प्रदेश में कुशासन और जंगल राज चरम पर है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर SIA की छापेमारी, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में रेड, टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के सांबा में जम्मू पठानकोट हाईवे के पास AK-47 का 4 मैगजीन बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हाईवे किनारे तालाब में मिले मैगजीन, पुलिस के मुताबिक 4 से 5 साल पुराना हो सकता है मैगजीन। यूपी के मुरादाबाद में एक पुलिस का जवान गिरफ्तार, 10,000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया। यूपी के गाजियाबाद में पेट्रोल पंप कर्मचारी से 10 लाख रुपए की लूट, पुलिस ने लूट की गुत्थी सुलझाने के लिए 8 टीमों का गठन किया। इंदिरापुरम में बैंक के पैसे जमा करने का जा रहा था कर्मचारी, पीछे आए बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, रुपयों से भरा बैग छीन कर भाग गए। यूपी के मथुरा में करीब 4 लाख के पटाखे जब्त, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, अवैध तरीके से पटाखों का किया जा रहा था भंडारण। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने 11 बदमाशों को किया गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे थे अपराधी, पुलिस की घेराबंदी देख बदमाशों ने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाशों को लगी गोली, बदमाशों के पास से 4 पिस्तौल सहित कई कारतूस बरामद, एक बिना नंबर की कार भी जब्त। मानव तस्करी करने के लिए NIA की कार्रवाई, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक समेत 10 राज्यों में रेड। असम के कामरूप में 6 करोड़ रुपए की 36 किलोग्राम अफीम बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार, STF के DIG पार्थ सारथी महंत ने दी जानकारी। पंजाब के बठिंडा में पराली जलाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 2 किसानों को किया गया गिरफ्तार, किसानों पर नोटिस दर्ज। रेव पार्टी और सांप तस्करी मामले में फंसे अल्पेश यादव से नौरा पुलिस की पूछताछ, सेक्टर 20 से थाने में देर रात तक पहुंचा अल्पेश। 2 घंटे तक पुलिस ने अल्पेश से पूछताछ की, दोबारा भी बुला सकती है नौरा पुलिस।